अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं अपने बेटे की फरमाइश पे केक बना रही हूँ। बनाना तो मुझे कुछ और था, लेकिन मैंने कहा चले मैं अपने बेटे की फरमाइश पूरी कर दूँ। और मैं जो केक बना रही हूँ वो है वनीला चॉकलेट केक विद डार्क चॉकलेट टॉपिंग। मेरे बेटे को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो सभी बच्चों को पसंद होती है और बड़ों को भी पसंद होती है। तो स्टेप वन में हम पहले केक पैन का तैयार करेंगे, ग्रीस करेंगे इसको और बटर पेपर लगा लेंगे, फिर ऊपर से दोबारा ग्रीस करेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप तेल लगा दीजिए पूरे पैन में और मैदा डाल दीजिए और डस्ट कर दीजिए चारों कोने में अच्छी तरह मैदा लग जाए। ये आपका पैन तैयार है। फिर इसके बाद पैन सबसे पहले हमें तैयार करना है। फिर इसके बाद हम स्टोव पे अपना पतीला रखेंगे, क्योंकि विदाउट ओवन में बना रही हूँ तो उसको हम प्री हीट करेंगे पतीले को। और जब हम केक का बैटर रखें पतीले में तो हमारा पतीला गर्म होना चाहिए। हमें जो अज्जा चाहिए वनीला चॉकलेट केक विद डार्क चॉकलेट टॉपिंग के लिए, 12 खाने के चमचे मैदा, हाफ़ कप डार्क चॉकलेट, ये मोटी मोटी आप काट लें, ये देखें इस तरह, और 9 खाने के चमचे पीसी हुई चीनी, 6 खाने का चमचा दूध, 6 चाय का चमचा तेल, 1 अंडा, 1 चाय का चमचा वनीला एंस, हाफ टी स्पून कोको पाउडर, 1.5 टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये सारे अज्जा जो मैंने मेजर किए हैं वो मेजरमेंट स्पून से किए हैं। इस तरह के स्पून आप एक दफ़ा ले लें और कप्स ले लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा बेकिंग में। अब हम वनीला चॉकलेट केक विद डार्क चॉकलेट टॉपिंग बनाना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बेकिंग के लिए मैंने ये पतीला अलग ही रख दिया, ये बेकिंग में करती हूँ बस इसमें ना। और ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया और कुछ भी नहीं रखा, और बस ये गर्म हो रहा है। हम अपनी केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टेप टू है, ये मैदा है, इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। 12 खाने का चमचा मैदा है और इसमें हम 1.5 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर डालेंगे। और ये मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर मुझे बाद में बताऊंगी कि कोको पाउडर का क्या करना है हमें। ये एक साइड में रख देंगे। फिर हम खाली बाउल लेंगे एम्प्टी, इसके अंदर हम सबसे पहले अंडा डालेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह कांटे से, क्वांटिटी कम है इसलिए मैं कांटे से फेंट रही हूँ। और अगर केक की ज़्यादा है, जैसे 6 अंडों का बना रहे हैं, 3 अंडों का बना रहे हैं, तो फिर आप व्हिस्क की मदद ले सकते हैं और बीटर की। और जो बर्थडे केक वगैरह है वो तो हमें बीटर ही इस्तेमाल करना होता है, उसका स्टेप्स अलग होते हैं केक बनाने के। फिर हम एक चाय का चमचा वनीला एंस डाल देंगे। इसको हल्का सा बीट करेंगे। ठीक, फिर हम इसमें पीसी हुई चीनी 9 खाने के चमचे डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर हम यूँ चमचा चला रहे हैं तो हम यूँ ही चमचा चलाएंगे,
क्लॉकवाइज। ओके, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कि लम्स बन रहे हैं, चीनी नहीं घुल रही, नो प्रॉब्लम। इसको हम हल्के हल्के हाथों से, चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। फिर इसमें हम 6 चाय का चम्मच तेल डाल देंगे। हर चीज़ साफ़ करके डाला करें बिल्कुल, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। देखिए अंडा, चीनी, तेल कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और हम मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। फिर हम 2 खाने का चम्मच डालेंगे, एक साथ नहीं डाल देंगे हम, और बाउल को ये घुमाते रहेंगे। देखें ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है। फिर हम डालेंगे 2 खाने का चम्मच, फिर मिक्स करेंगे। अभी इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, क्योंकि अब गाढ़ा हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम एक साथ नहीं डाल देंगे। ये देखिए फिर जो मैदा बचा था वो हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। फिर हम थोड़ा दूध डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर जो मैदा बचा था पूरा हम डाल देंगे। देखिए ज़रा सा भी लम्स नहीं बना, जबकि मैं कांटे से फेंट रही हूँ, कोई विस्क नहीं है। बस आप इसी स्टेप को फॉलो करेंगी तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ मोहब्बत और प्यार से बनाएंगे तो वो चीज़ अच्छी भी बनती है, जायकेदार भी बनती है और आपकी फैमिली को पसंद भी आती है। अब देखिए जो तेल बचा था ना ये पूरा मैंने डाल दिया, और ये 6 टेबल स्पून है यानी 6 खाने के चमचे। सॉरी मैंने दूध की जगह तेल कह दिया, तो आपको पता है रोज़े भी चल रहे, तो इसलिए सॉरी अगेन। दूध मैंने जो थोड़ा सा बचा था वो डाला 6 खाने का चम्मच। अभी हमारा वनीला केक बन गया, ठीक है। और जो मैंने चॉकलेट कहा था ना आपसे, तो इसको हम थोड़ा सा हाफ़ करेंगे, थोड़ा सा हाफ बैटर वनीला और हाफ बैटर चॉकलेट, ठीक है। ये वनीला हम अलग कर देंगे। इसमें हमने जो हाफ टेबल ये जो कोको पाउडर हमने लिया था ये हम डाल देंगे, ठीक है। और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये अब ये मेरा बेटा जो है वो मिक्स कर रहा है चॉकलेट का बैटर। अब रिजा इसमें डालिए बेटा, पैन में डालिए। और जब ये किड्स की कोई भी चीज़ बनाया करें ना तो बच्चों को इन्वॉल्व किया करें, तो बच्चे बहुत खुशी खुशी ये काम करते हैं। लाइए मुझे दीजिए। वो पैन बड़ा था क्योंकि मैं एक अंडे का बना रही हूँ, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं बेकिंग में। तो डालिए रिजा। अब देखिए सारा साफ़ करके मैंने डाल दिया इसमें चॉकलेट बैटर। अब हम वनीला डालेंगे और बीच में करके डालिएगा, ये देखिए ऐसे।
अब रिजा टॉपिंग करेंगे। रिजा बहुत शौक से ये काम करते हैं। अब देखिए मोहम्मद ने पूरी टॉपिंग डाल दी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, ये देखिए पूरी फिल कर देनी है डार्क चॉकलेट से, ठीक। और अब हम इसको बेकिंग के लिए रखते हैं, वनीला चॉकलेट केक विद डार्क चॉकलेट को, चॉकलेट टॉपिंग को। और जब ये बेक होके बाहर आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम देखें अच्छी तरह गर्म हो गया, को हम टैप करेंगे 2-3 मरतबा ताकि इसकी एयर निकल जाए, फिर हम मिडल में रख देंगे बीच में बिल्कुल, और फिर इसको कवर कर देंगे। 30 मिनट के लिए बेक करना है, लेकिन हम 20 मिनट से 25 मिनट के बाद देखते हैं। हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको 40 मिनट लगे हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ वुडन स्टिक से भी और छुरी से भी। ये देखिए इसको हम, ये देखिए, और ये जो हल्की हल्की ये चॉकलेट है, जो डार्क चॉकलेट हमने टॉपिंग की है ना, बिल्कुल ये खुश्क निकला है, ये देखिए, ठीक। अभी हम छुरी से भी चेक करके दिखाते हैं दोनों सूरतों में। आप ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, ये देखिए सही है। ये हमारा केक इज़ रेडी। अब ये ठंडा होगा और मोहम्मद रिजा खा के बताएगा कि टेस्ट में कैसा है। अब देखिए इसको साइडों से पूरा, अब पैन का देखिए, मुझे पता था वो पैन बड़ा है, लेकिन मेरे बेटे की ये फरमाइश थी कि स्क्वायर पैन में केक बेक करें मम्मा, तो मैंने अपने बेटे को दिखाने के लिए कि देखिए बेटा ये बड़ा है और ये अंडे का मैं बना रही थी, तो उसने फिर सॉरी किया। फिर मैंने तो खैर हैंडल कर लिया, लेकिन जो नई बच्चियाँ हैं जो सीख रही हैं वो ज़रा देख के, ये देखिए टॉपिंग इज़ रेडी। और अब रिजा आपको खा के बताएंगे कि कैसा बना है। मोहम्मद रिजा प्लीज। Thank you, Riza. Ne?
है और मेरी मम्मा आज हरविंदर इधर एमपीटू और हरविंदर हाँ फिर वो चलिए कल एक सब्सक्राइब कीजिए, यू में एक लाइक कीजिए, शेयर करिए दोस्तों।